नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। क्या रूस पर लगे प्रतिबंध महज दिखावा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन की संसद में जब रूस की एक दिन की कमाई का आंकड़ा बताया गया तो हर किसी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। बताया जा रहा है कि इस जंग के दौरान अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध झेल रहे रूस की एक दिन की कमाई 8,000 करोड़ से भी ज्यादा है, तो कहीं ये प्रतिबंध भी किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? दिखावा है रूस पर लगे प्रतिबंध? क्या यूरोप के पैसों से जंग लड़ रहा है रूस? आज 1,000 करोड़ की साजिश का सच क्या? दुनिया में पुतिन का रुतबा क्या है? ये खबर ऐसे ही सवालों को एक बार फिर हवा दे रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जंग के दौरान लगे प्रतिबंधों के बावजूद रूस सिर्फ तेल और गैस बेचकर 1 बिलियन यूरो की कमाई कर रहा है। ये कमाई साल या महीने भर की नहीं है, बल्कि ये जंग के हालात के बीच रूस की एक दिन की कमाई है। अगर भारतीय रुपयों में इस रकम का जिक्र करें तो रूस को रोजाना होने वाली कमाई है 8,000 करोड़ से ज्यादा। दरअसल यूरोपियन यूनियन की संसद में एक अधिकारी ने रूस को तेल और गैस से होने वाली एक दिन की कमाई का जिक्र किया है। यह आंकड़ा उस वक्त सामने रखा गया जब यूरोप के देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर कड़े प्रतिबंध लगाने का दावा किया है। कुछ देश तो गैस और तेल के इम्पोर्ट पर लगाम लगाने के भी दावे कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के संसद में जैसे ही रूस की एक दिन की कमाई का जिक्र किया गया तो ये साफ हो गया कि रूस पर लगे प्रतिबंध केवल हवा हवाई है। मतलब ये कि यूरोप के नेता रूस पर लगे प्रतिबंधों का केवल दिखावा कर रहे हैं, और ठीक यही बात यूरोप की संसद में भी कही है। यही वजह है कि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं रूस के हिस्से जो रोजाना 8,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई आ रही है उसी का इस्तेमाल रूस कहीं जंग में तो नहीं कर रहा। हालांकि पता ये भी चला है कि रूस के तेल और गैस पर निर्भरता कम करने का प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन के संसद में जंग से काफी पहले लाया गया था। जनवरी में ही इस पर फैसला लिया जाना था, लेकिन उस वक्त जर्मनी ने बैन के प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया था, और अब कई देश अपने स्तर पर रूस पर निर्भरता कम करने की दुहाई दे रहे हैं। हालांकि आंकड़े साफ कर रहे हैं कि रूस पर यूरोप के लिए निर्भरता कम करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन तेल और गैस के खेल के बीच यूरोप के कुछ देशों ने कोयले पर एक बड़ा फैसला लिया है। दावा है कि यूरोप के 27 देशों ने रूस से कोयले का इंपोर्ट बंद करने का फैसला लिया है। यूरोप को कोयला एक्सपोर्ट करने से रूस को सालाना 4 बिलियन यूरो यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। हालांकि तेल और गैस के कारोबार के सामने कोयले के एक्सपोर्ट का आंकड़ा कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि तेल और गैस के मामले में कोयले का धंधा 1% से भी कम है, लेकिन कोयले का इंपोर्ट बंद कर यूरोप दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो रूस पर कार्रवाई कर रहा है। हालांकि रूस पर कार्रवाई के लिए यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने एकजुटता जरूर दिखाई है और कुछ अहम फैसले भी लिए हैं। दावा है कि यूरोप से रूस को होने वाला एक्सपोर्ट भी बंद जंग की दुश्वारियों के बीच रूस रोजाना 1,000 करोड़ रुपए की कमाई भी कर रहा है। तो यूक्रेन महायुद्ध का 44वां दिन है। यूक्रेन के हर बड़े शहर में तबाही बर्बादी ही दिखाई दे रही है। बूचा से तबाही की तस्वीर सामने आई है जो इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं। पूरा शहर शमशान जैसा हो गया। पुराने वीडियो आए हैं जिसमें शव बिखरे पड़े हैं। बेहद खौफनाक दर्दनाक ये तस्वीर सामने आई है। बूचा की हालत देखने पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख खुद यहां पर पहुंचे। वहीं मारियोपोल शहर भी देखे किस तरह से महातबाही की गिरफ्त में आ चुका है। रूस की सेना की बर्बरता देखकर आम नागरिक की रूह कांप उठ रही है। यूक्रेन से लगातार पलायन यहां पर अब तक लाखों की तादाद में हो चुका है।
और इस बीच ये जो 5 तस्वीरें सामने आई है वो बता रही है कि इन 44 दिनों में यूक्रेन के शहर किस तरह से तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। बूचा नरसंहार जिस तरह से सामने आया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस को कड़ी निंदा का सामना करना पड़ा। हालांकि रूस ने साफ तौर पर इनकार किया कि बूचा नरसंहार उसकी तरफ से अंजाम नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरह से खौफनाक और दर्द से भरी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताने के लिए काफी है कि 44 दिनों में यूक्रेन को भारी तबाही झेलनी पड़ी है। रूसी सेना के हमले चौतरफा तरीके से और कई गुना तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मारियोपोल में तो बताया जा रहा है कि महातबाही के लिए बड़ी रणनीति रूसी सेना की तरफ से सामने आ रही है। वहीं यूक्रेन से पलायन करने को लोग अब भी मजबूर है। पलायन का यह सिलसिला बेहद दर्दनाक तस्वीर यहां पर बयां करता है। तो देखिए किस तरह से यह भयानक तस्वीरें यहां पर सामने आ रही है। शिवानी, साफ तौर पर यहां पर दिखाई देता है कि रूस की सेना यूक्रेन की सेना पर हावी तो हो ही रही है और नुकसान यूक्रेन के उन शहरों को भुगतना पड़ रहा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही है यहां पर। जी बिल्कुल, तबाही जरूर देखने को मिल रही है और हर तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं सबीना, लेकिन ऐसे में कई खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि वहां के कई शहर ऐसे जिनको खाली करा लिया गया है रूसी सेना से। लेकिन साथ साथ हम वॉल ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि आखिर क्या कुछ इस वक्त यूक्रेन में हो रहा है, क्योंकि 44 दिन हो चले हैं लगातार और युद्ध अब भी जारी है। तो ऐसे में समझना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या क्या कुछ हो रहा है और वहां के जो तमाम शहर हैं उनमें इस वक्त किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि 44 दिन हो चुके हैं और अब तो ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे शहर हैं जहां पर रूसी सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी है। तो ऐसे में भीषण तबाही जहां यूक्रेन के कई शहर इस वक्त झेल तो चुके हैं, लेकिन इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं वो भी हम दर्शकों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ रूसी सेना कहीं ना कहीं हावी जरूर हुई थी, लेकिन रूबल अब मजबूत हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको दिखा रहे हैं, 23 फरवरी $1 जो कि 121.5 रूबल के हिसाब का था और अब 6 अप्रैल आज है और $1 की कीमत इस वक्त 78.7 रूबल हो चुकी है। यानी रूबल कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। रूस की करेंसी रूबल एक बार फिर से मजबूती की ओर अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि यही रूस चाहता है। रूस किसी भी हालत में नहीं चाहता कि जो आर्थिक प्रतिबंध उसके ऊपर लगाए हैं उससे उसको नुकसान हो। तो ऐसे में 23 फरवरी जिस दिन ये युद्ध शुरुआत जिस दिन इस युद्ध की हुई थी उस दिन $1 की कीमत उस वक्त 121.5 रूबल थी, लेकिन अब रूबल कहीं ना कहीं धीरे धीरे मजबूत होता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्थिक प्रतिबंध हैं जो इस वक्त झेल रहा है रूस और इन आर्थिक प्रतिबंधों का किसी भी तरीके से उसके ऊपर कोई नुकसान ना हो उसकी भी उसको पूरी कोशिश है। लेकिन गिरावट से उबरकर अब रूबल ने 6 अप्रैल 2022 को अपनी पुरानी स्थिति हासिल कर ली और जानकारी के मुताबिक 23 फरवरी को $1 की कीमत 121 रूबल के बराबर थी, जो अब 6 अप्रैल 2022 को 79 रूबल के बराबर दिखाई दे रही है। और साथ साथ इसका मतलब यह है कि रूस की करेंसी रूबल एक बार फिर से मजबूत स्थिति में अब दिखाई देने लगी है। और इस महायुद्ध में रूस और यूक्रेन का आज 44वां दिन है। यह युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इस जंग के दो बड़े खिलाड़ी जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन ही हैं। बाइडेन ने पुतिन को कंगाल करने का जो ये पूरा प्लान बनाया था अब उसी में वो खुद फंस गए हैं, फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पुतिन ने बाइडेन के खिलाफ ऐसी चाल चली जो अगर कामयाब हो गई तो अमेरिका चारों खाने चित कुछ इस तरह से नजर आएगा। पुतिन की प्लानिंग से बाइडेन की टेंशन हाई। बिना प्रतिबंध बाइडेन को बर्बाद कर देंगे पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले पुतिन को सबक सिखाने के लिए बाइडेन हर हद पार कर जाना चाहते हैं। शुरुआत उन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों से की, रूसी बैंकों से लेकर रूस के कारोबारियों पर बैन चढ़ दिए और अब तो उन्होंने पुतिन की दोनों बेटियां मारिया और कतेरिना पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बाइडेन की मंशा साफ है, वो पुतिन और रूस को कंगाल कर देना चाहते हैं, लेकिन पुतिन को पार पाना बाइडेन के लिए आसान नहीं होगा। पुतिन ने अब बाइडेन के खिलाफ ऐसी प्लानिंग की है जिसकी खबर लगते ही अमेरिका में सन्नाटा छा गया है। पुतिन की इस प्लानिंग की पूरी डिटेल आपको बताएं, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका फिलहाल रूस को डिफॉल्टर घोषित करने के लिए किस एजेंडे पर काम कर रहा है। रूस के बैंकों से इसी हफ्ते रूसी नागरिकों के करीब $60 करोड़ यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए निकलने थे। ये वो फंड है जिसे रूसी नागरिकों ने अपनी बचत की रकम को जोड़कर जमा किया था।
रूसी नागरिकों की ये जमा पूंजी डॉलर बॉन्ड के तहत जमा कराए गए थे, यानी इसका भुगतान डॉलर में ही होना था। रूसी बैंकों ने इस पेमेंट का भुगतान करने के लिए अमेरिकी बैंकों का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि रूसी बैंकों ने ये रकम अमेरिकी बैंकों में जमा कराई थी, लेकिन बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी बैंकों ने ये पेमेंट करने से इनकार कर दिया। बाइडेन के इस कदम से पुतिन इस कदर बिलबिलाए कि उन्होंने अमेरिका की सबसे मजबूत कड़ी को ही तोड़ने का प्लान कर लिया। डॉलर पर रूस की सर्जिकल स्ट्राइक, डॉलर को दो कौड़ी में बना देंगे पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे पुतिन के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट डॉलर का है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते रूस का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर, जिसका रूस में आना करीब करीब बंद हो चुका है। ऐसे में पुतिन ने डॉलर के अस्तित्व पर ही बड़ी चोट करने का प्लान तैयार किया है। पुतिन ने इसके लिए सोने पर सबसे बड़ा दांव लगाया है। रूस ने तेल और गैस के अपने ग्राहकों से कह दिया है कि अगर उनके पास रूबल ना हो तो वो गोल्ड यानी सोने में भुगतान कर सकते हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पुतिन की इस चाल से हिल सकती है, क्योंकि डॉलर में होने वाला दुनिया का एक बहुत बड़ा कारोबार ऐसा होगा जिससे खुद डॉलर ही गायब हो जाएगा। यही नहीं, अगर ऐसा हुआ तो रूस अपने देश में आने वाले गोल्ड का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकता है, चाहे तो गोल्ड के बदले रूबल भी छाप सकता है, जैसा दुनिया में सालों से होता आ रहा है। हौसीदारों के इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे जानकारी आप तक यहां पर पहुंचाने जा रहे हैं। बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे पास आ रही है, तो रूस और यूक्रेन युद्ध का 44वां दिन है और देखिए किस तरह से 44वें दिन भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, वैश्विक स्तर पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका जहां रूस के खिलाफ सख्त तौर पर कई दावे अब तक कर चुका है, तो वहीं पर रूसी सेना जो है उनके हमले यहां पर जारी है। लेकिन इस बीच रूस को जो फायदे यहां पर लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं, इस महायुद्ध से भी एक बंपर कमाई किस तरह से पुतिन की हो रही है, उसके पीछे भी क्या कोई चाल है, तो रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका समेत कई ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस से पिछले एक महीने यानी कि युद्ध के दौरान ज्यादा तेल खरीदा। आइए अब आपको बताते हैं कि किस देश ने रूस से पिछले एक महीने में कितना ज्यादा तेल खरीदा है, क्योंकि इसे जानना बेहद जरूरी है। पिछले एक महीने में रूस से अमेरिका ने 43% ज्यादा तेल खरीदा है, वहीं यूरोपीय यूनियन ने रूस से 15% ज्यादा तेल खरीद की है। चीन का जिक्र करें तो रूस से 43.6% ज्यादा तेल यहां पर खरीदा गया है और पाकिस्तान ने रूस से 19.5% ज्यादा तेल खरीदा है। रूस पर कड़े प्रतिबंधों के बावजूद देखिए किस तरह से तेल खरीद करके एक बड़ा आर्थिक जो फायदा है वो यहां पर रूस को पहुंचता हुआ नजर आता है। वहीं अमेरिका रूस को कंगाल करने में लगातार लगा हुआ है, लेकिन जब अमेरिका के दोस्त ही एक एक करके बाइडेन का साथ छोड़ रहे हैं, जर्मनी ने तो रूस के सामने सरेंडर ही कर दिया। जर्मनी ने अमेरिका को दो टूक कह दिया कि रूस के बगैर उसका काम नहीं चल सकता। रूस के धमाके यूक्रेन में हो रहे हैं, महाजंग की तबाही यूक्रेन के शहरों में हो रही है, मातम की चीख बूचा और कीव में सुनाई दे रही है, लेकिन इस जंग का इफेक्ट अब पूरे यूरोप पर दिखाई दे रहा है। वो यूरोप जो कल तक रूस के खिलाफ एकजुट होने का दावा कर रहा था, जो जंग में यूक्रेन के साथ खड़े होने का भरोसा दिला रहा था, लेकिन जंग के 42वें दिन अब यूरोप के देशों में ही रूस की खिलाफत को लेकर फूट पड़ने लगी है। रूस के आगे जर्मनी का सरेंडर, जर्मनी के लिए रूस जरूरी या मजबूरी? रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत की तो जर्मनी भी उन यूरोपीय मुल्कों में शामिल था जिसने रूस पे लगाए गए
अमेरिकी प्रतिबंधों का समर्थन किया, लेकिन अब जर्मनी को यह लगने लगा है कि रूस के बिना वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, और इसकी वजह है तेल और गैस के लिए रूस पर उसकी निर्भरता। जर्मनी की 55% नेचुरल गैस की जरूरत रूस से होने वाली सप्लाई से ही पूरी होती है, जबकि रूस से ही उसे अपनी जरूरतों का 35% कच्चा तेल मिलता है। यही नहीं, जर्मनी करीब 45% कोयला रूस से ही आयात करता है। जर्मनी ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया है। जर्मनी ने यह साफ कहा है कि यूरोपियन यूनियन का काम रूस से गैस खरीदे बिना नहीं चल सकता है। जाहिर सी बात है कि यूक्रेन लगातार अपील कर रहा है कि मित्र देश और खास तौर से यूरोपियन देश रूस के साथ गैस का सौदा न करें, लेकिन जर्मनी के वक्तव्य से साफ हो गया है कि व्यापार को लेकर के जर्मनी दूसरा रुख अपना रहा है और रूस से गैस खरीदना लगातार जारी रखेगा। महायुद्ध से पहले तक जर्मनी और रूस के कारोबारी रिश्ते बेहद गहरे रहे हैं, और इसे एक झटके में खत्म कर देना ना तो जर्मनी के लिए आसान है और ना रूस के लिए। खासकर महायुद्ध के बीच जर्मनी के लिए तेल और नेचुरल गैस का दूसरा विकल्प तलाशना तो और भी मुश्किल है। इसलिए जर्मनी ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल रूस से गैस की सप्लाई नहीं रोकेगा। To cut the gas supplies, we need some time, and so we have to differentiate between oil, coal, and gas at the moment. जर्मनी का यह फैसला अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका रूस को आर्थिक तौर पर तोड़ने के लिए प्रतिबंध लगा रहा है, जबकि नेटो के सदस्य देश ही उन प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे जर्मनी जैसे ही हालात यूरोप के कई दूसरे देशों के भी हैं। 27 यूरोपीय देशों में से अब तक 12 ने रूस से आयात बंद कर दिया है, जबकि 15 देश ऐसे हैं जो अब भी रूस से खरीदारी कर रहे हैं। सच यह है कि जंग के बीच यूरोप के देशों के लिए रूस का विकल्प तलाशना आसान नहीं है, खासकर नेचुरल गैस के मामले में, क्योंकि अकेले रूस ही पूरे यूरोप को 40% नेचुरल गैस सप्लाई करता रहा है। यूरोपीय देश बुल्गारिया तो रूस से 77% नेचुरल गैस आयात करता है। इटली अपनी जरूरत की 40% गैस रूस से ही हासिल करता है, जबकि पोलैंड 40% और फ्रांस 24% नेचुरल गैस रूस से इंपोर्ट करता है। यूरोप के कई मुल्क तो ऐसे हैं जिनका रूस के बिना एक दिन भी काम नहीं चल सकता। इनमें फिनलैंड, लातविया, मालडोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया जैसे भी देश हैं जिनकी नेचुरल गैस को लेकर रूस पर निर्भरता 93% से 100% तक है। जाहिर है यूक्रेन के नाम पर भले ही यूरोप के बड़े देश खुद को अमेरिका के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि रूस कल भी इनके लिए जरूरी था और आज के बदले हालात में भी इन देशों की मजबूरी बन चुका है। तो महायुद्ध, महाबर्बादी, यहाँ पर शिवानी हर तस्वीरें लगातार न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और इस बीच देखिए किस तरह का फायदा भी रूस को हो रहा है महायुद्ध में, जहां पर नुकसान झेलना पड़ता है। क्या लगता है यहाँ पर जिस तरह से इस आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस देखिए किस तरह से बंपर कमाई कर रहा है? कमाई जरूर कर रहा है सबीना, और यही चाहता है वो रूस, क्योंकि वो चाहता है किसी भी आर्थिक नुकसान, आर्थिक प्रतिबंध जो उसके ऊपर लगाए गए हैं उसका नुकसान उसको ना भुगतना पड़े। इसके लिए उसने भरपूर तैयारी की है, पूरा एक रोड मैप उसके जरिए पहले ही तैयार कर लिया गया था, क्योंकि उसको भी पता था कि वो जब यूक्रेन पर हमला करेगा तो इस तरीके के आर्थिक प्रतिबंध उस पर लगेंगे, तो उसके लिए वो पहले ही मेंटली भी तैयारी था और उसने कई तैयारियां पहले ही कर रखी थी। और आपने भी देखा कि इस युद्ध में आर्थिक तौर पर कैसे पुतिन मजबूत हो रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि युद्ध भूमि में रूस की सेनाएं आखिर कहां कहां पर कितनी मजबूत है। ये यूक्रेन का नक्शा इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मारियुपोल का इलाका है, डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव, खेरसोन, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर रूसी सेना काफी मजबूत है। मजबूत किस लिए वो भी हम आपको समझाते हैं।
ये रूस का नक्शा, रूस का जो बॉर्डर है वो यहाँ पर लग रहा है। ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं पूरा का पूरा रूस है और इसकी सीमाएं देखिए, यहाँ से बॉर्डर टच होता है और इसी वजह से रूसी सेना का आना जाना यहाँ पर करना बेहद आसान हो जाता है। और मारियुपोल, डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव, खेरसोन, खार्किव का क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो देखिए रूस का बॉर्डर यहाँ पर लग रहा है तो बेहद आसान है उसके लिए। और खेरसोन पे आना इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पर क्राइमिया का बॉर्डर लग रहा है और क्राइमिया के बॉर्डर से तमाम ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उसने पहले ही कब्जा किया हुआ है तो जो क्षेत्र उसके बॉर्डर से लगते हैं वहां पर उसका आना बेहद आसान हो जाता है और इसी वजह से रूसी सेना वहां पर लगातार मजबूत होती जा रही है। लुहांस्क की बात करें, खेरसोन की बात करें, डोनेस्क की बात करें, लुहांस्क और डोनेस्क को इसने इससे पहले स्वतंत्र भी घोषित कर दिया गया था रूस की ओर से और उसके बाद उसने वहां पर आक्रमण किया। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही भी देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार रूसी सेना यहां पर डटी हुई है और वो किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हटना चाहती। एक बार फिर से मैं आपको नक्शे के जरिए समझाऊं, ये रूस का बॉर्डर लग रहा है और ये साथ साथ यूक्रेन का बॉर्डर भी लग रहा है और मारियुपोल, डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव, खेरसोन तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त रूसी सेना सबसे ज्यादा मजबूती से खड़ी है। तो महायुद्ध का आज 44वां दिन है और 44वें दिन भी वही भयंकर, दर्दनाक, खौफनाक, दहशत भरी तस्वीरें युद्ध के मैदान से सामने आ रही है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त भी हमारी टीम मौजूद है जो पल पल की खबर आप तक पहुंचा रही है। उन तमाम खबरों को आगे भी आपके सामने रखेंगे पूरी डिटेल के साथ, लेकिन अब नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान ने आज बुलाई कैबिनेट और संसदीय दल की बैठक, शाम को पाकिस्तान की जनता को फिर करेंगे संबोधित, ट्वीट करके कहा आखिरी दम तक संघर्ष करूंगा। इसराइल की राजधानी तेल अवीव में बड़ा आतंकी हमला, भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई फायरिंग में 2 की मौत, 8 जख्मी, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आतंकी ढेर। भारत नेपाल सीमा से IBO के फर्जी आई कार्ड बरामद, पुलिस ने 2 संदिग्धों को धर दबोचा, तलाशी में आरोपियों से बनारस का आधार कार्ड भी बरामद। मान्यता दे दी थी जिसके बाद से ही यूक्रेन की सेना अपने इलाके को बचाने में जुटी है, लेकिन रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने उनकी नाक में दम कर रखा है। वो बिना रुके दिन भर यूक्रेन की सेना को निशाना बना रहे हैं। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि विद्रोहियों ने अपने दुश्मन पर एक के बाद एक कई मिसाइल बरसाई। यही नहीं, उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट कर कई मोर्टार भी दागे। इस इलाके में विद्रोहियों ने कई बंकर भी बना रखे हैं ताकि यूक्रेन के हमलों से वो अपनी जान बचा सकें। हालांकि दोनों तरफ से जारी इस भीषण बमबारी की वजह से डोनेस्क के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन में रूस के जंगी जहाज बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहे हैं। रूस के सुखोई 34 का एक वीडियो सामने आया जिसमें सुखोई शोले बरसाता हुआ आगे बढ़ता दिखा और दावा है कि यह वीडियो पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत का है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो यूक्रेन से ही किसी ने इंटरनेट पर डाला जो थोड़ी ही देर में वायरल हो गया। सुखोई 34 आग बरसाता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखने लगा। वीडियो कुछ सेकंड का ही है। शोले बरसाने के बाद सुखोई आगे बढ़ गया, लेकिन वीडियो देखकर ऐसा लगा कि जैसे ये वीडियो किसी ने अपने घर की बालकनी से ही रिकॉर्ड किया। मतलब साफ है कि रूस के फाइटर जेट यूक्रेन में बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। सुखोई 34 रूस का अब तक का सबसे आधुनिक और सबसे नया फाइटर जेट है। आग के जो शोले छोड़ता हुआ सुखोई दिखा उन्हें तकनीकी भाषा में थर्मल फ्लेयर्स कहा जाता है, जिसका मकसद दुश्मन की मिसाइल को चकमा देना होता है। फाइटर जेट उड़ा रहे पायलट को जैसे ही भनक भी लगती है कि कोई मिसाइल उसके जेट को निशाना बना सकती है, वो तुरंत थर्मल फ्लेयर हवा में छोड़ देता है। ये आग के शोले मिसाइल को भटका सकते हैं क्योंकि कोई भी मिसाइल आम तौर पर गर्मी की तरफ जाती है और उसी का पीछा करती है। जैसे ही बेहद ऊंचे तापमान वाली तरंगे फाइटर जेट से निकलती हैं, मिसाइल फाइटर जेट की जगह उन तरंगों के पीछे जाने लगती है और फाइटर बचने में कामयाब हो जाता है। जिस सुखोई 34 का वीडियो सामने आया उसमें खास तौर पर मिसाइल के हमलों को नाकाम करने की क्षमता है। सुखोई 34 फाइटर जेट की कीमत $36 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 300 करोड़ बताई जाती है। यूक्रेन में चल रही जंग में रूस के फाइटर जेट का सामना दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से भी हो रहा है। इनमें सोवियत संघ के दौर में रूस का ही बनाया हुआ S-300 मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इसके अलावा जैवलिन, स्ट्रिंगर्स और स्टार स्ट्रीक जैसी मिसाइलें भी यूक्रेन के पास अलग अलग मुल्कों से पहुंच चुकी हैं जिनके निशाने पर रूस के जंगी जहाज हैं। इन मिसाइलों से रूस को खतरा ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन के ऑपरेशन के लिए उसके फाइटर जेट काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए मजबूर है। इसीलिए रूस सुखोई 34 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि मिसाइलों से बचते हुए अपने निशाने पर सटीक हमले कर सके। उधर रूस की लगातार बमबारी से यूक्रेन के कई शहरों में दहशत बढ़ गई, जिसकी एक तस्वीर लुहांस्क से भी सामने आई।
जहां का एक रिहायशी इलाका एक के बाद एक हुए दो जबरदस्त धमाकों की वजह से थर्रा उठा। धमाकों के बाद वहां दिलों में दहशत पैदा करने वाला धुएं का बवंडर उठा और उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। बताया गया कि रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर यह हमला किया, जिससे ठीक पहले वहां की गली में कुछ लोग चहलकदमी करते नजर आए और बम गिरने की भनक लगते ही उन लोगों ने जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। एक शख्स तो अपनी साइकिल को गिराकर वहीं जमीन पर लेट गया। इससे पहले कि वो लोग वहां दिख रहे एक मकान के अंदर घुस पाते, एक जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद मौका मिलते ही उन लोगों ने बम से बचने के लिए मकान के अंदर पनाह ले ली। इस दौरान वहां एक और धमाका हो गया। बताया गया कि आसपास की कई इमारतों को इन धमाकों की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। इस बीच रूस की भारी भरकम सेना से लड़ रहे यूक्रेन ने एक बार फिर नेटो देशों से हथियार मांगे। जेलेंस्की ने यह पहली बार नहीं किया। 24 फरवरी के बाद से वो लगातार नेटो देशों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने वही किया। जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे, जहां नेटो देशों के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई, जिसके बाद उन्होंने दो टूक कहा कि इस समय यूक्रेन को जो तीन चीजें चाहिए वो है हथियार, हथियार और सिर्फ हथियार। Has only three items on it. It's weapons, weapons and weapons. अमेरिका और यूरोप के देशों से यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है, लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री की बात सुनकर लगा कि वो मदद ऊंट के मुंह में जीरे जितनी है। मतलब ये कि रूस के हथियारों के सामने यूक्रेन के हथियार वैसे ही हैं जैसे हाथी के सामने चींटी। यही वजह रही कि दिमित्रो ने नेटो देशों के सामने साफ साफ बोला कि जितने ज्यादा हथियार होंगे उतने लोगों की जान बचेगी। The more weapons we get, and the sooner they arrive in Ukraine, the more human lives will be saved. Zelensky इससे पहले भी हथियारों के लिए नेटो देशों के आगे झोली फैला चुके हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने बीच बीच में नेटो देशों को ये कहकर लताड़ा था कि वो रूस से डरते हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग की जड़ ही नेटो है, जिसमें शामिल होने के लालच में जेलेंस्की ने पुतिन जैसे ताकतवर इंसान से झगड़ा मोल ले लिया और यूक्रेन युद्ध की आग में जल उठा। 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन पर आसमान से आग बरसानी शुरू की थी, तो ना अमेरिका ने और ना ही नेटो देशों में किसी ने अपनी सेना भेजी थी, और तब से अब तक यूक्रेन के सैनिक खुद ही रूस की सेना से लड़ रहे हैं। जेलेंस्की की जबान ये कह कहकर छिल गई कि पश्चिमी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, लेकिन बाइडेन और नेटो के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। जिसके बाद यूक्रेन ने अपनी रणनीति थोड़ी बदल दी और अब वो दूसरे देशों से ये कहकर हथियार मांग रहा है उनसे वो शांति की स्थापना करेगा। Sound, but today weapons serve the purpose of peace. लेकिन नेटो देशों ने फूंक फूंक कर कदम रखा। विश्व युद्ध या यूं कहे कि परमाणु युद्ध की आशंका से सहमे नेटो ने एक बार फिर सेफ गेम खेला। We are providing support, but at the same time working hard to prevent escalation of the conflict. कहा जा रहा है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खास तौर पर जर्मनी से मदद मांगी। उन्होंने जर्मनी से कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देने के काम में तेजी लाए, क्योंकि बर्लिन के पास तो वक्त ही वक्त है, लेकिन कीव के पास नहीं। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने खास तौर पर जर्मनी का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसने संकेत दिए थे कि वो रूस के साथ संबंध बनाए रखने के पक्ष में है, और कहा जा रहा है इस बात में उसका साथ फ्रांस और तुर्की भी दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के मुद्दे पर नेटो देश दो हिस्सों में बंट चुके हैं, जिनमें एक तरफ है यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड और बाल्टिक देश, जो चाहते हैं कि रूस से हर तरह का संपर्क खत्म कर दिया जाए और पुतिन को उनके घुटनों पर लाया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि जर्मनी ऐसा नहीं करना चाहिए।